नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सनवाला जो टेक में। दोस्तों, राजस्थान बोर्ड परीक्षाओं को लेकर एक महत्वपूर्ण अपडेट है ये। एडमिट कार्ड को लेकर भी बहुत बड़ी अपडेट है कि कब तक आपके एडमिट कार्ड जारी होंगे, कितना परसेंट आपको सिलेबस आने वाला एग्जाम में, और बात करें ऑनलाइन एग्जाम होगा या ऑफलाइन एग्जाम होगा इस बार। तो लगातार तीसरी बार परीक्षा प्रक्रिया पर असर पड़ रहा है कि 30% घटाया है बोर्ड परीक्षा सिलेबस, मात्र 70% आपका सिलेबस आएगा एग्जाम में। कक्षाएं देरी से लगने से के चलते ये कटौती की गई है। कम करने के बाद पर जो परीक्षा प्रतियोगिता परीक्षा है उसके पाठ्यक्रम वेबसाइट पर भी उपलब्ध हैं और देख सकते हैं वहाँ पे जाके। तो 10वीं और 12वीं की जो बोर्ड परीक्षा है इस बार 30% कम किया गया सिलेबस, कोरोना के चलते ये निर्णय लिया गया है। 24 मार्च से होंगी 10वीं और 12वीं के एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगी 24 मार्च से। 12वीं की 24 मार्च से स्टार्ट होंगी और 10वीं की 31 मार्च से शुरू होने वाले हैं। जब परीक्षा कार्यक्रम पाठ्यक्रम में बदलाव करना पड़ा तो परीक्षा के नए टाइम टेबल के अनुसार परीक्षाओं के लिए पाठ्यक्रम में 30% कटौती की गई है और शेष सिलेबस बोर्ड के वेबसाइट पर उपलब्ध है। 2020 से ही परीक्षाओं पर असर पड़ा है, लगातार 2020 के बाद में ही परीक्षाओं पर असर पड़ा है। परीक्षा तिथि आगे बढ़ाई है, आगे भी बढ़ा दी गई परीक्षा तिथि, 24 कर दी गई। अब पहले 3 मार्च थी, मार्च के दूसरे सप्ताह में प्रवेश पत्र और परीक्षा सामग्री वितरण होने वाले हैं। मार्च के दूसरे सप्ताह में आपके जो एग्जाम के एडमिट कार्ड हैं वो जारी कर दिए जाएंगे, यानी कि 7 दिन पहले, यानी कि मार्च के दूसरे सप्ताह में परीक्षा सामग्री वितरण केंद्रों पर रवाना करने का सामग्री शुरू हो जाएगा। 7 दिन पहले प्रवेश पत्र अपलोड कर दिए जाएंगे। एग्जाम के एडमिट कार्ड आपके 7 दिन पहले होंगे, यानी कि 17 मार्च के आसपास एग्जाम के एडमिट कार्ड आने वाले हैं। 20 लाख विद्यार्थी साल परीक्षा देने वाले हैं, एग्जाम सभी दे, सिलेबस आपका बहुत कम रहेगा। एग्जाम का भी टाइम आपको मिल चुका है तो अपने अपने जो तैयारी है वो जारी रखें। ऑनलाइन एग्जाम होगा आपका, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों एग्जाम होंगे। जो भी बच्चा ऑनलाइन एग्जाम देना चाहता है वो ऑनलाइन एग्जाम दे सकता है और जो ऑफलाइन एग्जाम देना चाहता है वो ऑफलाइन एग्जाम दे सकता है। आपको पेरेंट्स की मदद लेनी होगी, उसी के हिसाब से आप ऑनलाइन ऑफलाइन एग्जाम दे सकते हैं। बिना आप पेरेंट्स की मदद से आप एग्जाम को ऑफलाइन ऑनलाइन नहीं दे सकते हैं। ये आपके लिए बड़ी अपडेट है। ओके गाइस, तो आ चुके हैं, जैसे ही एडमिट कार्ड आएंगे 17 मार्च के आसपास तो आपको अलग से वीडियो बना दिया जाएगा कि एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करना है अपना अपना। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।